हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज। मैं हरलीन फिर से हाजिर हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेट करती एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको मदद मिलेगी खुद से स्टॉक एनालाइज कैसे करना है उसे देखने के लिए। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करें तो यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 25,500 के आसपास के लेवल पर अभी देखने को मिल रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ डेफिनेटली है, लेकिन पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सिमिलरली जैसे इस पॉइंट पर देखने को मिला था और उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था। तो यहां पर भी ये जो छोटा कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, इसके बाद एक नई रैली की उम्मीद मार्केट में की जा सकती है, एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस तेजी के मार्केट में आगे कौन से सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उन सेक्टर्स में कौन सी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं जिन्हें हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और अगर हम ऐसा करने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कामयाब हो पाते हैं तो हम एक अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जहां पर पोटेंशियल नजर आता है लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का। और एग्जांपल के तौर पे हम इन सेक्टर से रिलेट करते कुछ स्टॉक्स को भी रेफर करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक स्टॉक के बिजनेस और उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हुए खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स मार्केट से बना सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी बाय या फिर सेल रेकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं होने वाला है, यह पूरा डिस्कशन हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पस से ही करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोइंग सेक्टर्स की बात करते हैं तो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले के मुकाबले हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, 3 व्हीलर्स हों, पैसेंजर कार्स हो गई, बसेस या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हों, हर एक सेगमेंट में ग्रोथ देखा जा सकता है। इवन तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लोगों की अवेयरनेस ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑप्ट करते हैं। अभी इस पूरे सेक्टर की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो 2022 में $3.21 बिलियन का था, जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है कि वो $113.99 बिलियन तक एक्सपैंड करेगा बाय 2029, यानी कि 66.52% का CAGR ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडियन ईवी मार्केट से। मैसिव ग्रोथ से कहा जा सकता है ओवरऑल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंपनीज, हर एक फील्ड में बहुत ही बेहतर ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जितना ज्यादा ग्रोथ पूरे सेक्टर में होगा उतना ही ग्रोथ इन सभी कंपनीज को मिलने वाला है। अब यहां पर अगर मैं बैटरी मार्केट की बात करूं तो इंडियन ईवी बैटरी मार्केट is projected to surge from $16.77 बिलियन in 2023 to a remarkable $27.7 बिलियन by 2028. कहने का मतलब है कि India is on track to become the largest EV market by 2030 और हम भी इस growth story का part बन सकते हैं इस पूरे sector से relate करती fundamentally strong companies को select करते हुए अपनी investments के लिए। Automotive manufacturers की मैं बात करूं तो यहाँ पर Tata Motor और Mahindra & Mahindra जैसी कई बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है, जो इस फील्ड में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनीज बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और जहां तक इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरर्स की बात आती है तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मैन्युफैक्चर की थी। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की बात आ जाती है तो यहां पर कई बड़े नाम शामिल हैं जैसे अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, HBL Power Systems Limited, Exide Batteries, ऐसी कंपनीज हम कंसिडर कर सकते हैं और आगे ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे ध्यान दिया जाए तो यहां पर यूनो मिंडा है, मिंडा कॉर्पोरेशन है, सोना BLW और प्रीको लिमिटेड जैसी कंपनीज को टारगेट किया जा सकता है। आगे मैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंपनीज की बात करूं तो टाटा पावर का जो नाम है वो सबसे आगे आता है, क्योंकि इस सेगमेंट में उन्होंने अपने लिए एक मोनोपोली बिजनेस बना लिया है। तो और भी बहुत सी कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, आप भी खुद से स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है ये सीखते हुए स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो और मार्केट से अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। यहां पर एक कंपनी का मैं एग्जांपल डेफिनेटली लेना चाहूंगी, मैं बात करना चाहूंगी KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए मेनली फोकस्ड है। ब्रीफली अगर हम कंपनी के बिजनेस को समझें तो KPIT टेक्नोलॉजीज एडवांस व्हीकल टेक्नोलॉजीज में यूज होने वाली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंजीनियर
इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्लोबली लीडिंग ऑटोमेकर्स को। केपीआईटी का काम ऑटोमोटिव कंपनीज को फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद करना है, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, कनेक्टेड व्हीकल्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसी टेक्नोलॉजीज पे भी ये कंपनी काम कर रही है। एक IT कंपनी है लेकिन इन्होंने प्राइमरली ऑटोमोटिव सेगमेंट में अपना फोकस दिखाया है, यहीं पर ये काम कर रहे हैं, जिस वजह से एक मोनोपोली बिजनेस इन्होंने अपने लिए बना लिया है। इंडस्ट्री में स्ट्रांग प्रेजेंस ये कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। तो ऐसे स्ट्रांग बिजनेस वाली कंपनीज में जब भी अगर हमें करेक्शन मिलता है तो उसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आगे फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पर इस स्टॉक का जो मेडिन पी है वो 68 के आसपास का है और अभी ये स्टॉक 69.7 के पी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS में कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर देखा जा सकता है, ईयर ऑन ईयर लगातार इनके अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छे से ग्रो किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी लगातार राइज होता हुआ देखने को मिल जाता है। पिछले 3 साल के लिए अगर मैं बात करूं तो इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 34% का रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 61% का रहा है। FIs और DIs की भी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही कमाल के हैं। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज जिनके रेवेन्यू और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ग्रोथ हो रही हो, कंपनीज अच्छे रिटर्न्स बना रही हो और डेट का प्रेशर ना हो, ऐसी कंपनीज जो होती हैं ये आने वाले 10 से 20 साल तक अपने बिजनेस को आराम से सस्टेन कर सकती हैं, चलाने में कामयाब हो जाती हैं, इन्हीं से हम भी बढ़िया रिटर्न्स बना सकते हैं। हाउएवर ये हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे थे, इसे आप कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा। जरूरी है कि आप खुद से रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। यहां तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज लाइक करते जाइएगा साथ साथ में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आगे एक और सेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी जहां पर ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। मैं बात करना चाहूंगी FMCG सेक्टर के बारे में, जहां पर पहले के मुकाबले FIs एंड DIs की जो बाइंग है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कुछ समय पहले PSU स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, एक दौर था जब IT स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे और बेहतरीन राइज उनके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा था, वैसा ही कुछ अभी हम FMCG सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर शेयर प्राइस में बढ़िया एप्रिसिएशन देखने को मिला है, कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, जो स्टॉक अभी 902 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करोगे तो एक ट्रेंड यहां पर समझ में आता है। यहां तक आप देखिए कोई भी बड़ा मूव इनके शेयर प्राइस में नहीं देखने को मिल रहा था, स्टॉक 490 से 590 रुपीस की रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जून 2024 के बाद से स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा, करीब 720 रुपीस तक गया और फिर उसी रेंज में ही कुछ समय के लिए कंसोलिडेट किया। नेक्स्ट बड़े मूव के लिए यहां पर स्टॉक रेडी हुआ और अगेन अगस्त 2024 में एक नई रैली, एक नई तेजी बीकाजी फूड के शेयर में देखने को मिली और स्टॉक ने 929 रुपीस का ऑल टाइम हाई हिट किया। अभी यहां भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक फिर से रेंज बाउंड हो चुका है, उम्मीद की जा सकती है कि आगे एक और रैली के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। अब यहां से क्या शेयर प्राइस ऊपर जाता है ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, जिसके लिए आपको स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है ये सीखना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेंड एनालाइज करना सीख लेते हो तो फिर आगे के लिए आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो। एक और कंपनी में FMCG सेक्टर से रिलेट करती उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। ये जो कंपनी है ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एंड डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, जो FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी पैकेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी फोकस्ड है, जिससे ये अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनके 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 30 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को अपने बिजनेस सेगमेंट में। अभी के लिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस देखने को मिल रहा है, जहां पर पेप्सिको, हिमालय, लैक्मे, स्कोल, HUL, जाइडस वेलनेस, ITC, इमामी, बाटा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारिको, गोदरेज, विप्रो, कोका कोला, डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं। अभी आगे Q1 के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कमाल के नंबर्स हमें देखने को मिले। कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगी। यहां पर हिंदुस्तान फूड लिमिटेड का नेट वर्थ 30th जून 2024 तक 682 करोड़ का रहा है। Q1 के लिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू 871 करोड़ का रहा, जिसमें 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। EBITDA में
47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 करोड़ का रहा, जिसमें 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स क्या रहे हैं ये भी हम नजर डाल लेते हैं। इनका जो हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्लांट बद्दी में है, दैट क्लॉक्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन, लेकिन एक्सपोर्ट में जरूर एक और साल का यहाँ पर डिले हो सकता है, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए रशियन FDA का अभी अप्रूवल जो है वो नहीं आया है। सेकेंड इज देयर आइसक्रीम फैक्ट्री, जिसे कुछ ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से नासिक में शिफ्ट कर दिया गया है, जो आने वाले एक साल के अंदर अपना प्रोडक्शन का जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। स्पोर्ट्स शूज की कमर्शियल प्रोडक्शन पे कंपनी बहुत ही तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत से केपेक्स एक्सपेंशन प्लान्स हैं जिन पे बहुत ही अच्छे से ये कंपनी काम कर रही है। इनका जो कोर बिजनेस है वो FMCG सेक्टर में है एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, लेकिन अभी ये कंपनी फार्मा और शू मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, जहां ग्रोथ का स्कोप है इनके पास, बिकॉज नए क्लाइंट्स यहां पर जुड़ रहे हैं। तो यहां से भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर्स में और ज्यादा ग्रोथ होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस एप्रिसिएशन भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप भी किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो जरूरी है सबसे पहले आप उनके बिजनेस को समझो, एक्चुअल में कंपनी क्या काम कर रही है, कहां वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं, क्या केपेक्स प्लान्स वो कंपनी रखती है, और उनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसी के आधार पर आप कोई भी अच्छा डिसीजन बना पाओगे, जिसके लिए आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को रेफर कर सकते हो, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो अभी स्टॉक का PE 72.5 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 56 रुपीज और फेस वैल्यू 2 का है। रिटर्न रेशियोज आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.2% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4% का है। बहुत सी FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनीज हैं जिनके रिटर्न रेशियोज जो है वो सिंगल डिजिट में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कमाल के नंबर्स देखे जा सकते हैं। EPS में आप देखिए ईयर ऑन ईयर क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लगातार कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि जो इनका मेडिन पी है वो 86 के आसपास का है, अभी ये स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS हर चीज में बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर नंबर्स में राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी DIIs ने प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। पिछले 3 साल के लिए कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 25% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 36% का है। DIIs के होल्डिंग को फोकस किया जाए तो मार्च क्वार्टर में 7.18% DIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड थे, लेकिन अभी जून क्वार्टर के लिए देखा जाए तो 13.43% DIIs इन्वेस्टेड हैं, जिसे देखते हुए क्लियर समझ में आता है कि अगर कंपनी के पास पोटेंशियल है तब भी ये दिग्गज इन्वेस्टर्स भी अपनी स्टेक्स को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। हाउएवर ये कोई बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही पूरा डिस्कशन किया है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। इन स्टॉक्स को हमने जस्ट रेफरेंस के लिए कंसिडर किया है कि किस तरह से कौन से सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कैसे ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, और कैसे आप स्टॉक के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर सकते हो, कंपनी के बिजनेस को समझते हुए कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो। अगर आपको आज का हमारा ये डिस्कशन नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।